हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप छोटा सा रिस्क ले लेते हो, आपको ज़्यादा बड़ा मुनाफा होने का संभावना, ठीक है। यदि आप एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं तो आपको बड़ा से बड़ा मुनाफा होने का संभावना हो जाता है। तो चलिए उसी स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है ये कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों, 40 रुपीज़ का स्टॉक है, 42 रुपीज़ का, जिसको आपको ख़रीद के चलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ख़रीद के चलना है, ठीक है। आज दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है इस हफ्ते में, लेकिन आज के डेट में भी दोस्तों ये स्टॉक में देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अभी भी आप खरीदो दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको 5 के जगह 10% भी आपको मिलेगा, 2-4, चाहे जितना जिन आप जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, ठीक है। आपको क्या करना है समझ में आ चुका होगा दोस्तों, खरीदना है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रखना है, जिससे आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। एक बार और देख लीजिए, ये स्टॉक में 5% की अभी भी रैली है, खरीद लो। और मैं इसका कारण भी बताने वाला हूं कि क्यों आपको ऐसे स्टॉक को खरीदना है। मान लेता हूं कि थोड़ा बहुत रिस्की है ऐसे स्टॉक, तो दोस्तों जिसमें जितना रिस्क होता है वो स्टॉक में उतना ज़्यादा प्रॉफिट और ग्रोथ होने का संभावना भी होता है ऐसे स्टॉक में। तो दोस्तों ये कंपनी पहले बहुत दिनों से कर्ज में चल रही थी, और इसका प्राइस बहुत हाई जा चुका था और नीचे भी आ चुका था। अब ये प्राइस का है जो दोस्तों अपर सर्किट मारना स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक 28 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी 42 रुपीज़ में। दोस्तों इसका एक वजह है कि ये इतना बड़ा क्यों जो है अपर सर्किट मारे जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कंपनी पहले तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था दोस्तों। अगर इसमें देखोगे तो इसमें माइनस रिटर्न आते थे, माइनस नेगेटिव रिटर्न आते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 0.60 करोड़ का इसमें मुनाफा देखा गया है। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है, काफ़ी अच्छा, मतलब ये दोस्तों जो इम्प्रूवमेंट था वो था, लेकिन अभी जो है ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इस कंपनी में। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों ये कंपनी का कैसा वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन देख लेना चाहिए, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों पॉजिटिव है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत आपको बुलिशनेस के हिसाब से भी आपको बताया जा रहा है। ये देखो दोस्तों, ऐसा अगर ग्रोथ होगा कंपनी में तो सोच सकते हो कि आपको कौड़ियों के भाव में अच्छा सा अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा स्टॉक आपको बहुत छोटे प्राइस पे मिल जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट जो अभी आया है 2019 दिसंबर में, दोस्तों अभी आया है, देख सकते हो 2019 दिसंबर में आया है, ठीक है। कितना है दोस्तों, 0.60 करोड़ में है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट में कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं 452.94, मतलब कि दोस्तों इतना ज़्यादा परसेंट में ग्रोथ आया है, ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हेवी। अगर आपने नहीं खरीदा इस कंपनी को तो भाई तो आप पछताओगे ही पछताओगे, बाकी तो आपके ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का नाम भी मैं आपको ऊपर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नेट सेल्स में आपको 24% का नेगेटिव रिटर्न है, 24% और 450% में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये तो आपको नोटिस करना ही पड़ेगा। अगर इसमें से हम 50% भी निकाल देते हैं नेट सेल्स के लिए, तो 400% हमारे पास बचेगा। बहुत कम ही ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपको 100, 200, 300, 400 का आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये ग्रोथ दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, पहले ये बहुत कम था, हालांकि दोस्तों कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली नेट सेल्स में प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हर जगह आपको नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। और ये इसका दोस्तों एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, मैं आपको, हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेट प्रॉफिट में दिसंबर 2018, ठीक है, दिसंबर 2018 0.70 करोड़ का नुकसान था, 0.70 करोड़ का नुकसान था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो मार्च 2019
14%, ठीक है, 0.14 करोड़ का नुकसान था, ठीक है, 70 से 14 हो चुका है, मतलब कि दोस्तों 17 से 10 हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो है रिकवर किया। तो कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए अपनी ताकत तो लगा रही थी, लेकिन जो जो कर पा रही थी वो की, ऐसा बात नहीं है कि कंपनी ने एक पाँव पीछे लिया। तो दोस्तों गिरा हुआ उठने का कोशिश करेगा, लेकिन जो पहले ही दौड़ रहा है दोस्तों वो दौड़ता ही रह जाएगा। तो आगे जाने के लिए हमें अच्छा से अच्छा स्टॉक ढूंढना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 नुकसान हुआ, फिर से देखिए 2019 में, सितंबर 2019 में रिकवर लिया, और रिकवर लेने के बाद दिसंबर 2019 में दोस्तों रिकवर का एक पहाड़ तोड़ दिया। इतना बड़ा रिकवरी यहाँ पर देख सकते हो, 0.60, जो पहले दोस्तों नुकसान में था अब वो प्रॉफिट में आने लगा, हालांकि 1 साल का टाइम लगा। तो अगर ऐसे स्टॉक में आप निवेश करते हो तो भाई 2-4-10 दिनों के लिए तो निवेश मत करो। अगर आप छोटा भी पैसा लगाना चाहते हो तो लंबे समय के लिए लगा दो, कम से कम 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 1-1.5 साल के लिए लगा दो दोस्तों, 1 साल के लिए तो कम से कम लगा दो, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि कंपनी को टाइम दो। आप मार्केट को जितना टाइम दोगे वो मार्केट आपको उतना बड़ा ही रिटर्न देगा। आप मार्केट में अगर आप चाहोगे कि 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने में ऑप्शन या फ्यूचर में खेल लूं, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। हो सकता है आपका कैपिटल जितना आपने लगाया है और जितना आपका प्रोडक्शन है सब कुछ सही जा रहा हो सकता है कि आपका पैसा, हो सकता है 10-20% आपको एक्स्ट्रा मिल जाए नेट प्रॉफिट लॉस होने के बाद। लेकिन अगर ऐसा कंपनी मिल गया ना, तो हो सकता है कि आपको, मतलब सोच लो भाई, अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, कंपनी जो है ग्रोथ में जा रही है, इम्प्रूवमेंट में जा रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कंपनी जो है डेट फ्री है, कंपनी में कोई कर्ज नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आगे जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेट सेल्स में भाई देख लो, 2018 टू 2019 में कितना है, 0.06 था, 0.62, मतलब कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है भाई कंपनी में। अगर ऐसे हुआ तो ये तो उड़ी बाबा हो जाएगा, सोच लो, ठीक है, 933% का इसमें जो है आपको देखा जा रहा है नेट सेल्स, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको 185 का, ठीक है। तो देखो ऐसी कंपनी जो है मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हो ना, तो हम जैसे को इम्प्रूवमेंट के साथ दोस्तों, और मतलब कि अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे स्टॉक आप लोगों को ला के बताऊँ, जिससे आपको भी अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो और मुझे भी फीडबैक मिलता रहे, ठीक है। तो एक लाइक से क्या होता है दोस्तों, तो हिम्मत बढ़ती है, ठीक है, और हिम्मत जब बढ़ जाती है तो दोस्तों अच्छे अच्छे काम भी, बहुत जो जो काम नहीं हो पाता वो भी आसान लगने लगता है, ठीक है। तो सब आप लोगों की मेहरबानी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। बाकी दोस्तों मैंने कंपनी का वजह भी बता दिया, कंपनी बहुत पहले तो लॉस में थी, अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रही है। तो धीरे धीरे आप भी इसको, कम से कम कंपनी को 1 साल, एक बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछ दीजिएगा दोस्तों, 2-3 महीने में अगर थोड़ा बहुत गिरावट आया तो, ठीक है, अगर 2-3 महीने में, 3-4 या 6 महीने में कोई गिरावट आता तो आप कन्फ्यूज़ या डरिएगा मत, ठीक है। देखिए क्योंकि कंपनी ने दोस्तों बहुत ज्यादा जो है अच्छा रिकवरी लिया है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवरी लिया है दोस्तों, यहाँ से वहाँ गया, तो 1 साल का टाइम तो देना चाहिए। बाकी आपको अगर चैनल को अच्छा, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इससे भी खतरनाक मैं अब आपको बनाने वाला हूँ। ये स्टॉक मैंने आपको 40 रुपीज़ के आसपास बताया है, नेक्स्ट वाला स्टॉक आपको मैं आपको 10 या 20 रुपीज़ के आसपास बताऊंगा, जो इससे भी अच्छा होगा और तगड़े वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।